हर साल मॉनसून का स्वागत केरल ही करता है, तो इस बार भी उसे ही करना था, लेकिन उसने किया तो लेकिन दो दिन पहले। आमतौर पर मॉनसून 1 जून को केरल में दस्तक देता है और 5 जून तक पूर्वोत्तर भारत के तमाम हिस्सों में पहुंच जाता है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने इस बार भी केरल में मॉनसून की पहली फुहारें आने का अनुमान 1 जून को ही लगाया था, लेकिन बारिश हो गई 28 मई को। चूंकि गर्मी ने इस बार 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसलिए पूरे देश को मॉनसून का बेसब्री से इंतजार है। आइए जानते हैं कि मॉनसून के बदरा कब कहां पहुंचेंगे और सूरज से तपती धरती की प्यास कब बुझाएंगे। अनुमान है कि मुंबई में मॉनसून की बारिश 10 से 11 जून के आसपास हो सकती है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में मॉनसून 27 जून तक आएगा। हालांकि अभी तक इसकी ऑफिशियल तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। वैसे दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बुधवार को हल्की बारिश हुई, तब शहर में देश का सबसे ज्यादा तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के मंगेशपुर में मौसम केंद्र ने बुधवार को दोपहर 2:30 बजे से 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया। हालांकि IMD ने आशंका जताई कि संभवतः सेंसर में गड़बड़ी के कारण इतना ज्यादा तापमान दर्ज हुआ हो। अब बात करते हैं मॉनसून की। दिल्ली में 27 जून तक मॉनसून आने की उम्मीद है। वहीं मुंबई में मॉनसून की बारिश 10 से 11 जून के आसपास हो सकती है। पश्चिम बंगाल अभी चक्रवात रेमल के प्रभाव से उबर रहा है, तो वहां 10 से 29 जून के बीच मॉनसून आने की उम्मीद बताई जा रही है। IMD ने भविष्यवाणी की है कि मॉनसून 13 या 15 जून तक बेंगलुरु पहुंच जाएगा। मौसम एजेंसी का ही अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में 18 से 20 जून के बीच मॉनसून के आगमन के आसार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान में 25 जून के इर्द गिर्द मॉनसून की एंट्री होगी। हालांकि अभी इसे लेकर कोई तारीख जारी नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में इससे 10 दिन पहले यानी कि 15 जून से लेकर 25 जून के बीच मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। यूपी के अधिकांश भाग में 20 जून से 25 जून और बिहार झारखंड में मॉनसून 15 जून को दस्तक दे सकता है। वहीं दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में 1 जून से लेकर 10 जून के बीच मॉनसून की पहली बारिश देखी जा सकती है। अब एक बार देश के खास शहरों में मॉनसून के आगमन की तारीख भी देख लीजिए। केरल 30 मई, चेन्नई 4 जून, मुंबई 11 जून, रायपुर 16 जून, जमशेदपुर 14 जून, आइजोल 5 जून, वाराणसी 20 जून, गया 16 जून, अजमेर 1 जुलाई, लखनऊ 23 जून, आजमगढ़ 20 जून, छपरा 18 जून, आगरा 30 जून, दिल्ली 27 जून, भिवानी 3 जुलाई, पिथौरागढ़ 20 जून, चंडीगढ़ 26 जून, लद्दाख 23 जून। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।